इसराइल की वॉर कैबिनेट ने रफा पर जमीनी हमले की मंजूरी दे दी है और इसके बाद इजरायली फौज ने पूर्वी रफा से आक्रमण कर बमबारी भी शुरू कर दी है। और इस हमले से पहले नेतन्याहू ने साफ कर दिया था कि हमास ने जिस युद्ध विराम प्रस्ताव पर हामी भरी है वो इसराइल की मांगों से काफी दूर है और इसी वजह से आईडीएफ ने रफा पर चढ़ाई शुरू कर दी। बड़ी बात यह है कि रफा में 14 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी है। लेकिन रफा में इजरायली फौज को रोकने के लिए हमास ने भी ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। दरअसल अल-कुद्स ब्रिगेड ने ज़ेरोत, किबुज निराम और अन्य इजरायली सेटलमेंट्स पर रॉकेटों के साल्वो दाग दिए हैं, जिसमें इजरायली सेना को तगड़ा नुकसान हुआ है। इनमें से अधिकतर हमले गाजा के उत्तर पूर्व में हुए हैं और अल-कुद्स ने जब ये हमले किए तो उस वक्त ज़ेरोत, निराम, मेफालसिम और गेवीम में रात करीब 11 बजे हवाई हमलों के सायरन बज उठे थे और हमास ने इन हमलों का वीडियो भी जारी किया है। उसमें साफ दिख रहा है कि उसके पास अभी भी हथियारों का जखीरा है। वीडियो में बड़े बड़े रॉकेट्स के साल्वो नजर आ रहे हैं जिन्हें हमास के लड़ाके फायर करते हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अल-कासिम ब्रिगेड ने भी इजरायली सेटलमेंट नेटजरीम एक्सिस में मोर्चा संभाल रखा है। यहां पर अल-कासिम ने इजरायली सेना पर 6 मई 2024 की सुबह रजूम रॉकेट फायर किए हैं। और इसके बाद अल-कासिम और जिहाद जिब्रिल ब्रिगेड ने भी इसी इलाके में इजरायली सेना पर 107 एमएम शॉर्ट रेंज रॉकेट से हमला कर दिया और इस हमले के कुछ ही समय बाद अल-कासिम ब्रिगेड ने आईडीएफ पर 107 एमएम के रॉकेट्स दाग दिए। आपको बता दें कि नेटजरीम में सिर्फ अल-कुद्स और अल-कासिम ने ही नहीं बल्कि गाजा के अन्य संगठनों ने आईडीएफ के खिलाफ मोर्चा संभाला हुआ है और हमास ने अपने इन हमलों के वीडियो भी जारी किए हैं जिनमें हमास के लड़ाके रॉकेट लॉन्चर्स में रॉकेट भरते हुए दिख रहे हैं और उसके कुछ ही देर बाद ये रॉकेट्स दनादन आईडीएफ की तरफ फायर कर दिए जाते हैं। और इन हमलों के बीच गाजा में अल-अस्का मार्टर ब्रिगेड ने भी इजरायली सेना पर रॉकेट हमलों की झड़ी लगा दी। अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड ने इजरायली सेना पर 2 रॉकेट हमले किए थे और इस हमले में उनका साथ अल मुजाहिदीन ब्रिगेड ने दिया था जिसने इन इलाकों में कई रॉकेट्स दागे थे। और इस हमले के बाद अबू अली मुस्तफा के लड़ाकों ने रॉकेट का दूसरा साल्वो आईडीएफ पर दाग दिया जबकि मुजाहिदीन ब्रिगेड ने नेटजरीम में आईडीएफ के कमांड सेंटर पर खुद हमला कर दिया। हालांकि अल-कुद्स ने जो वीडियो जारी किया है उसमें अल-कुद्स के लड़ाके हरियाली के बीच छिपकर पहले तो लॉन्चर में रॉकेट भरते हैं और उसके बाद उन्हें इजरायली सेना की तरफ फायर कर देते हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक के बाद एक रॉकेट आसमान को चीरते हुए आईडीएफ के ठिकानों की तरफ जा रहे हैं।